सो गाइज आज मैं इस प्लास्टिक बॉक्स से बनाऊंगी एक ब्यूटीफुल सा क्लच पर्स। इन गाइज ये क्लच बनकर जब रेडी होगा आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने बनाया है। सो फर्स्ट मैंने बॉक्स पर ऐसे दो निशान लगा लिए हैं एंड नेक्स्ट मैं लूंगी ये व्हाइट क्लॉथ एंड इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आपको कपड़े के ऊपर बॉक्स को रखकर कपड़े के दो दो इंच को छोड़कर कट करना है। सो देखिए यहाँ पर मैं बॉक्स की साइड पर हीटेक्स को अप्लाई कर रही हूँ एंड बॉक्स को कपड़े के ऊपर रखकर कपड़े को ऐसे स्टिक कर देना है। अब हमें बॉक्स की सेकंड साइड में भी ऐसे ही हीटेक्स को अप्लाई करना है एंड यहाँ पर आपको बॉक्स को बंद करके ही कपड़े को स्टिक करना है एंड लॉक की जगह मैंने ऑलरेडी कपड़े को कट कर रखा है। तो देखिए लॉक को इंसर्ट करने के बाद मैंने कपड़े को भी अच्छे से स्टिक कर दिया है। मैं बॉक्स की चारों साइड पर भी हीटेक्स को अप्लाई करूंगी और कपड़े को अच्छे से स्टिक कर दूंगी। सो गाइस अगर आपके पास भी ऐसा कोई बॉक्स पड़ा हुआ हो तो आप उससे ऐसे ही क्लच को रेडी कर सकते हो एंड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर के कपड़े को यूज कर सकते हो और अपने घर पर ही बना सकते हो एक शानदार सा क्लच। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कपड़े को बॉक्स पर अच्छे से कवर कर दिया है। देन मैं यूज करूंगी ये व्हाइट फेल्ट शीट एंड इसको भी बॉक्स के अंदर की साइड अच्छे से स्टिक कर देना है एंड इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बॉक्स के अंदर के हिस्से से नापनी है। तो देखिए दोनों पीस को स्टिक करने के बाद एक पीस में इसकी साइड में भी स्टिक करूंगी जिससे हमारे बॉक्स के अंदर अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बॉक्स पर क्लॉथ को कवर करने के बाद अभी से काफी अच्छा लुक आने लगा है। अब हमें इसका जो लॉक है उसके ऊपर के कपड़े को कट करना है एंड लॉक को बाहर निकाल देना है एंड अब टाइम है इस क्लच को एक ब्यूटीफुल लुक देने का जिसके लिए मैं यूज करूंगी सीक्वेंस वाली लेस एंड इसके मैंने 4 पीसेस को कट कर लिया है एंड दोनों साइड को हमें हीटेक्स की हेल्प से अच्छे से स्टिक करना है। सो देखिए यहाँ पर मैंने चारों पीस के दोनों एंड्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है। सो अब हमें लेस की बैक साइड पर हीटेक्स को अप्लाई करना है एंड क्लच पर अच्छे से स्टिक करना है। यहाँ पर मैं बॉक्स के ऊपर की साइड से लेस को स्टिक करना स्टार्ट करूंगी ताकि ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब हमें ऐसे ही इसके नीचे की साइड में तीनों पीसेस को अच्छे से स्टिक करना है। वैसे गाइस आप लेस को कपड़े पर स्टिक करने के लिए कोई भी फैब्रिक ग्लू या हॉट ग्लू को भी यूज कर सकते हो। देखिए चारों पीसेस को मैंने एक दूसरे के ऊपर ऐसे अच्छे से स्टिक कर दिया है एंड स्टिक होने के बाद आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो। सो गाइस जैसे ही मैं क्लच की बैक साइड पर लेस के चारों पीसेस को स्टिक कर दूंगी और गाइस देखिए यहाँ पर मुझसे एक गड़बड़ हो गई है। क्लॉथ के कवर करने की वजह से इसका जो लुक है वो ठीक तरह से नहीं लग पा रहा है तो जिसके लिए हमें करना पड़ेगा एक जुगाड़। सो मैंने लिया है ये लास्ट एक और मैंने इसका एक छोटा सा पीस कट कर लिया है एंड उसके बाद मैंने लेस के सेंटर में ऐसे ही टेक्स को अप्लाई किया है एंड लास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करके अच्छे से स्टिक कर दिया है एंड इसके लुक के लिए मैं यूज करूंगी स्क्वायर शेप बीड एंड इसको भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्लू से स्टिक कर देना है एंड अब इसके जो फालतू के ये लुक है इसको हमें कट कर देना है एंड यहाँ पर मैंने इसके फ्रंट को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। देन मैं यूज करूंगी ये मीडियम शेप पर्ल बीड एंड ये गोल्डन ज्वेलरी वायर एंड मेरे पास है एक ये पुराने क्लच का हैंडल। सो यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्टली थ्रेड में पर्ल्स को इंसर्ट करके हैंडल को रेडी कर सकते हो बट मेरे पास ये पुराना हैंडल रखा हुआ है सो मैं इसी को डेकोरेट करके क्लच पर अटैच करूंगी जिसके लिए मैंने वायर को हैंडल पर अच्छे से लॉक कर दिया है। उसके बाद एक पर्ल बीड को इंसर्ट करके वायर को हैंडल पर ऐसे राउंड राउंड करना है। सो यहाँ पर मैंने वायर को 3 बार घुमाने के बाद 4थी बार मैंने पर्ल बीड को अगेन इंसर्ट किया है एंड अगेन वायर को हैंडल पर ऐसे ही राउंड कर दिया है। इसी प्रोसेस से मैं पूरे हैंडल पर पर्ल को अटैच कर दूंगी। आपको बस पर्ल बीड को वायर में इंसर्ट करना है एंड वायर को ऐसे राउंड राउंड कर देना है। सो देखिए रेडी होने के बाद हमारा जो हैंडल है वो कितना ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश लग रहा है एंड यहाँ पर हमने वीडियो की स्टार्टिंग में जो बॉक्स पर दो निशान लगाए थे अब हमें वहीं पर अगेन कट करना है एंड हैंडल को अच्छे से इंसर्ट कर देना है। ऐसे ही मैं सेकंड साइड में भी कट लगाकर हैंडल की सेकंड साइड को भी इंसर्ट कर दूंगी एंड लास्ट में हमें लगा देना है अपना ये लॉक। सो गाइस रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल सा क्लच जिसको आप भी अपने घर इजीली रेडी कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये क्लच पर्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।